हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ शेडिंग टिप्स के बारे में, जिनको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। कुछ वैसे नहीं बताऊंगा किस तरह से डार्क एरियाज में शेडिंग करनी है, वो चीज़ मैंने पहले ही आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है, रियल टाइम वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, बहुत वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। बट कुछ ऑब्जर्व किया मैंने, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा, आपको क्या पता थोड़ा बहुत वियर्ड भी लगे, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कुछ टिप्स को, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शेडिंग इंप्रूव हो सकती है, आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो, कहीं बाहर से आते हो या फिर कुछ खा पी के आते हो या फिर कहीं से आते हो, तो हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा टफ से रहते हैं, काफ़ी हार्ड से रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी ड्राइंग करना स्टार्ट करो, उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से आप धो सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो अच्छे से, मतलब साबुन से कर सकते हो, ताकि आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, उससे हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे। और फिर ड्रॉ करने में काफ़ी मज़ा भी आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यूजुअली जब हमारे हाथ होते हैं, मान लो तेल वगैरह लगा होता है, क्या आपने क्या क्या खा रखा हो, पता नहीं क्या समोसा वमोसा क्या क्या खा रखा हो आपने, तो हाथ में तेल होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, डस्ट वगैरह होता है, तो वो पेपर भी ख़राब हो सकता है। और ड्रॉ करने में हाथ में थोड़ा हार्ड फीलिंग से आती है, बट अगर आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, आपने अच्छे से धो रखा है और उसके बाद अगर आप ड्रॉ करो, तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। जिस भी सरफेस के ऊपर आप ड्रॉ करते हो, किसी भी टेबल के ऊपर, किसी भी बोर्ड के ऊपर, उसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो, किसी पेपर को इसके ऊपर रख के ड्रॉ करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी ड्राइंग बुक के ऊपर अगर ड्रॉ करते हो, अगर जो भी पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी आप ड्रॉइंग पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नमक के छोटे छोटे दाने से डाले हैं, तो इसी तरह से हमारे ड्राइंग टेबल या फिर कोई भी बोर्ड जहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, वहाँ पे पेंसिल के छिलके, जो भी आप पेंसिल शार्प करते हो या फिर कोई और पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉ करने से पहले, जिनको साफ कर लेना चाहिए, तो इन सबको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी शेडिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो शेडिंग में आपको कुछ इस तरह का लगेगा, कुछ ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स दिखेंगे। अगर मान लो आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग करनी है फेस पे और आपके पेपर के नीचे कुछ भी है, और इस तरह अगर एक भी ब्लैक ब्लैक धब्बा दिख गया, तो आपकी ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाएगी। मेरे साथ हो चुका है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो एक भी अगर हो गया तो पूरी ड्राइंग ख़राब लगती है। सो अच्छे से जिस भी सरफेस के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको अच्छे से साफ़ कर लो कि पेपर के नीचे कुछ हो ना। अगर आपको फेस पे इस तरह की शेडिंग चाहिए और बीच में इस तरह के ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखेंगे, तो बिल्कुल भी ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो डेली ड्रॉ करने से पहले अपने टेबल को अच्छे से साफ कर लेता हूँ ऊपर से। नेक्स्ट है, अगर आपको बिल्कुल डार्क शेडिंग चाहिए या फिर डिटेलिंग शेडिंग चाहिए, तो आप इस तरह से पेंसिल को पकड़ के शेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल आगे से। बट अगर आप थोड़ा पीछे से पकड़ते हैं इस तरह से, तो आपको थोड़ी लाइट शेडिंग मिलेगी अगर थोड़ा सा पीछे से पकड़ते हैं उससे। तो ऑब्वियसली अगर पीछे से पकड़ के शेडिंग करेंगे तो प्रेशर कम लगेगा और थोड़ी लाइट शेडिंग होगी। और अगर आपको उसी पेंसिल से और ज़्यादा लाइट शेडिंग चाहिए, तो आप और पीछे से पकड़ सकते हैं इस तरह से, आपको और ज़्यादा लाइट शेडिंग मिलेगी। सो ये काफ़ी बढ़िया है, आप एक ही पेंसिल से लाइट भी शेडिंग कर सकते हैं, डार्क भी शेडिंग कर सकते हैं। अगर आगे से पकड़ेंगे तो डार्क होगी और पीछे से पकड़ेंगे तो लाइट होगी। अगर डिटेलिंग करनी है तो आप आगे से पकड़ो, और अगर फेस पे बिल्कुल लाइटली करना है तो पीछे से पकड़ के शेडिंग कर लो। और अगर आपने दो शेडिंग को मिक्स करना है इस तरह से, मान लो मैंने लेफ्ट साइड में तो शेडिंग करी थी पहले, अब मैं राइट साइड में कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा बीच में, क्योंकि जो बीच में आपको थोड़ा डार्क डार्क सा दिख रहा है, तो ये यूजुअली होता है। बट इसको हमने अगर बिल्कुल सेम बनाना है, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना है, ऐसा ना लगे कि वो अलग से की है वो अलग से की है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बस नीड इरेजर का यूज़ करके जो भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं आपको बीच में, मान लो थोड़ा बहुत डार्क शेडिंग हो गई है, ज़्यादा लेयरिंग हो गई है, उसको आप इरेज कर दो बस हल्का सा इस तरह से। बस जो ऊपर का ग्रेफाइट होगा, जो डार्क होगा, वो अपने आप ही निकल जाएगा, और उसके ऊपर से फिर आप शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अच्छी शेडिंग के लिए पेंसिल को अच्छे शार्प करना भी ज़रूरी है। अगर पेंसिल अच्छे से शार्प नहीं होगी, तो आपको थोड़ी रफ रफ शेडिंग मिलेगी, बट अगर आप पेंसिल आपकी अच्छे से शार्प होगी, बिल्कुल पॉइंट होगी, तो आपको काफ़ी स्मूथ शेडिंग भी मिलेगी। इसीलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसको शार्प नहीं करना पड़ता है, एकदम से काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है उसमें। 0.3 की जो मैकेनिकल पेंसिल, उसमें तो और भी ज़्यादा पतली होती है, तो ज़्यादा शार्प नहीं करना पड़ता है और बिल्कुल स्मूथ हमको शेडिंग देखने को मिलती है उससे। बट नॉर्मल पेंसिल की जो लीड है, वो शेडिंग के हिसाब से बदलती रहती है, अगर ज़्यादा शेडिंग करोगे तो वो मोटी हो जाएगी, उसको बराबर शार्प करना पड़ेगा। इसीलिए आई लव टू यूज़ मैकेनिकल पेंसिल फॉर शेडिंग, क्योंकि इस तरह से काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो पाती है। अभी तो मैं 2B की यूज़ कर रहा हूँ। शेडिंग आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अब इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, पहले मैंने उस डायरेक्शन में की थी, तो ये क्रॉस हैचिंग की तरह कर सकते हैं आप। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करके लेयरिंग बढ़ाते जाओ और डार्क होती जाएगी। और गाइस, ड्रॉ करते वक्त आप कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर, कोई पेपर या फिर कोई क्लॉथ का टुकड़ा रख सकते हैं,
हाथ के नीचे रखना है इस तरह से, ताकि जब भी आप शेडिंग करो तो शेडिंग हाथ पे ना लगे। और आजकल तो वैसे गर्मियाँ भी बहुत हैं तो पसीना भी बहुत आता है, तो हमारे पेपर भी ख़राब हो सकता है। और इस तरह से हम कम्फर्टेबली ड्रॉ कर सकते हैं, कम्फर्टेबली डिटेलिंग भी कर सकते हैं। और चारकोल से ड्रॉ करते हो, चारकोल तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और अगर आपका फ़ैन ऑन है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उड़ता भी है चारकोल, तो आपके हाथों पे लग सकता है। हाथों पे लगेगा तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग डेफिनेटली ब्लैक हो जाएगी, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। सो चारकोल से वर्क करते हो आप, इस तरह से टिश्यू पेपर ज़रूर रखना, ताकि आपके हाथों में बिल्कुल ना लगे और पेपर भी ख़राब ना हो। बाय द वे, मैं तो बिल्कुल भी फ़ैन भी ऑन नहीं करता हूँ जब भी चारकोल में वर्क करता हूँ, ताकि ये चारकोल पाउडर उड़े ना। और पेपर के चारों तरफ आप टेप लगा सकते हो, मास्किंग टेप, ताकि आप शेडिंग करते वक्त या फिर ड्राइंग करते वक्त आपका पेपर बिल्कुल भी हिले ना। बिना टेप के आपको कुछ इस तरह से शेड करना पड़ेगा, इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, हाथ रखना पड़ेगा ताकि पेपर हिले ना, और इससे आपके फिंगरप्रिंट लग सकते हैं। बस सिंपली आपने चारों तरफ टेप लगानी है, फिर आपको हाथ भी नहीं रखना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से शेड कर पाएंगे। बट इससे आप पेपर को मूव नहीं कर पाएंगे, मान लो आपको पेपर को मूव करके शेडिंग करनी है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको टेप को निकालना पड़ेगा। तो टेप आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, यही कुछ टिप्स थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम सोजोशी आर्ट्स का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।